शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्दानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। वैदिक विधान ये कहता है कि दशमी को एक आहार, एकादशी में निराहार तथा द्वादशी में एकाहार करना चाहिए। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार संपूर्ण वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व होता है तथा प्रत्येक एकादशियों की एक पौराणिक कथा भी होती है। एकादशियों को वास्तव में मोक्षदायिनी माना गया है। भगवान श्री विष्णु जी को एकादशी तिथि अति प्रिय मानी गई है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की। इसी कारण एकादशी के दिन व्रत करने वाले प्रत्येक भक्तों पर प्रभु की अपार कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। अतः प्रत्येक एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं तथा व्रत रखते हैं, साथ ही रात्रि जागरण भी करते हैं। किंतु इन प्रत्येक एकादशियों में से एक ऐसी एकादशी भी है जिसका व्रत प्रतिवर्ष दो बार पौष तथा श्रावण के मास में किया जाता है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। अतः पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी तथा श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती हैं अथवा जो व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यंत शुभ फलदायक होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो जातक एकादशी का व्रत नियमित रूप से रखते हैं, उन्हें भगवान श्री नारायण की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। पद्म पुराण के अनुसार सांसारिक सुखों की प्राप्ति तथा पुत्र इच्छुक भक्तों के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत को विशेष फलदायक माना जाता है। अतः संतानहीन या पुत्रहीन जातकों के लिए इस व्रत को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा भी होती है। अतः महिला वर्ग में इस व्रत का अत्यंत विशेष प्रचलन तथा महत्व है। पौष पुत्रदा एकादशी के देवता सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री विष्णु जी हैं। अतः इस व्रत में भगवान नारायण के बाल गोपाल स्वरूप का पूजन किया जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी के व्रत का पालन जो जातक पूर्ण श्रद्धा से करता है, उसे भगवान विष्णु से विद्वान, लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान होने का वरदान प्राप्त होता है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण। एकादशी के व्रत की समाप्ति करने की विधि को पारण कहते हैं। कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका विधिवत पारण ना किया जाए। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाता है। ध्यान रहे, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो रही हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान माना गया है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। जो भक्तगण व्रत कर रहे हैं, उन्हें व्रत समाप्त करने से पूर्व हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली एक चौथाई अवधि होती है। यदि जातक कुछ कारणों से प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के पश्चात पारण करना चाहिए। इस वर्ष पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 जनवरी बुधवार की मध्य रात्रि 12:03 से प्रारंभ होकर 17 जनवरी गुरुवार की रात्रि 10:34 तक व्याप्त रहेगी। अतः इस वर्ष 2019 में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 17 जनवरी गुरुवार के दिन किया जाएगा। इस वर्ष पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण अर्थात व्रत तोड़ने का शुभ समय 18 जनवरी शुक्रवार की प्रातः 7:16 से 9:22 तक का रहेगा।
दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करें। धन्यवाद।